चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों की हॉट अदाकारा आम्रपाली दुबे ने बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से पंगा लिया था। सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैरान थे कि आखिर अब क्या होगा। दरअसल आम्रपाली दुबे ने शाहरुख खान से रियल लाइफ में नहीं बल्कि भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर पंगा लिया था। इन दोनों की फिल्म में भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर हो चुकी है, लेकिन भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर आम्रपाली दुबे की सिपाही ने शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल को पछाड़ के आगे बढ़ चुकी है। फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर आम्रपाली दुबे की सिपाही को बम्पर ओपनिंग मिली है, तो वहीं शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली है। एक रिपोर्ट के अनुसार आम्रपाली दुबे की सिपाही को बिहार और झारखंड में करीब 100 सिनेमा घर मिले हैं, तो वहीं शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल को पूरे बिहार और झारखंड में करीब 50 सिनेमा घर मिले हैं। इस दोनों आंकड़ों से ये साबित होता है कि शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल आम्रपाली दुबे की सिपाही के आगे घुटने टेक चुके हैं। हालांकि दोनों स्टार अपने अपने तरीके से फिल्म के प्रमोशन में कोई कमी नहीं की थी। आपको बताते चले कि सुनीता सिप क्रिएशन के बैनर तले प्रिमांशु सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म सिपाही में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे दर्शक बेहद ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अपनी पुलिस वाली भूमिका में गुंडों को सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म जब हैरी मेट सेजल में शाहरुख खान पंजाबी गाइड बने अनुष्का शर्मा से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं।